आप सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हो जाएगा ना में। आई थिंक हम में से बहुत से लोगों को चाइनीज मूवी देखना बहुत पसंद होगा, और हो भी क्यों ना, उन मूवीज के दिल दहला देने वाले एक्शन सीन होते ही इतने मस्त हैं कि अपने आप ध्यान उनकी ओर चला जाता है। हम में से बहुत ने तो उन मूव्स को कॉपी करने की कोशिश भी की होगी, और कुछ ने तो कुंग फू लर्न करने के लिए गूगल भी किया होगा कि हाउ टू लर्न कुंग फू। और इन मूवीज से ध्यान अपने आप ब्रूस ली, जेट ली, जैकी चैन, डोनी येन जैसे हीरोज की ओर चला जाता है, जो किसी न किसी कुंग फू स्टाइल में महारत हासिल किए हुए होते हैं और अपनी फाइटिंग स्टाइल से निहत्ते ही कई विलन्स को मार भगाते हैं। आज का हमारा विषय कुंग फू तो है, बट वो भी शाओलिन कुंग फू। अब आप सोच रहे होंगे तो अंतर क्या हुआ, तो आओ इसे डिटेल में समझें। इसके लिए पहले आपको कुंग फू का अर्थ समझना होगा। कुंग फू दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कुंग, जिसका तात्पर्य हुआ स्किलफुल वर्क या हार्ड ट्रेनिंग, एंड दूसरा शब्द हुआ फू, जिसका मतलब हुआ टाइम स्पेंड करना। तो इसका पूरा मतलब हुआ स्किलफुल वर्क या हार्ड ट्रेनिंग जिस पर टाइम दिया जाए। इसीलिए कुंग फू एक्सपर्ट की माने तो एवरीथिंग इज कुंग फू, हर वो चीज कुंग फू है जिसका अभ्यास लाखों बार किया हो। तो ये तो था कुंग फू। तो अब बात करते हैं शाओलिन कुंग फू की। जैसे कि बहुत से लोगों का मानना है कि मार्शल आर्ट में सबसे प्रमुख कुंग फू है, और इसे सीखने की सबसे अच्छी जगह चाइना से बेहतरीन कोई नहीं। चाइना में मार्शल आर्ट के बहुत से स्कूल हैं, बट शाओलिन टेम्पल उन सब में श्रेष्ठ है। शाओलिन टेम्पल बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस का केंद्र भी है, और इस मंदिर को बनवाने वाले थे पल्लव राज्य के महाराज पल्लव के तीसरे पुत्र बौद्ध धर्म, जो कि एक भारतीय हैं। माना जाता है कि वो आयुर्वेद, सम्मोहन, योग और युद्ध कला के महारथी थे। आज भी चाइनीज लोग दामो नाम से उन्हें जानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, और बौद्ध धर्म द्वारा ही शाओलिन में विकसित इस मार्शल आर्ट को शाओलिन कुंग फू कहा जाता है। जैसे कि शाओलिन एक मंदिर है, यहाँ मॉन्क्स रहते हैं, जिनमें से दो टाइप के मॉन्क्स होते हैं, एक मंदिर की देखरेख के लिए और दूसरी वहाँ की रक्षा के लिए, और यही मॉन्क्स शाओलिन वॉरियर कहलाते हैं। शाओलिन की ट्रेनिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस पे काम किया जाता है। दूसरा पार्ट है पावर ट्रेनिंग, जिसमें फिजिकल एंड मेंटल दोनों एस्पेक्ट से बॉडी को स्ट्रांग बनाने में काम किया जाता है। मेडिटेशन का घंटों तक अभ्यास भी किया जाता है। अंत में कॉम्बैट स्किल पे काम किया जाता है, जिसमें हथियारों और बिना हथियारों के लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पर शाओलिन में एनर्जी पे बहुत फोकस किया जाता है, जिसे ची एनर्जी कहा जाता है, जिसकी सहायता से प्रैक्टिशनर अपनी सारी एनर्जी को शरीर के किसी भी पॉइंट पर फोकस कर सकता है और अपने स्ट्राइक एंड डिफेंस को कई गुना स्ट्रांग भी कर सकता है। इसी तरह बहुत सी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिनका शाओलिन में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि ड्रंकन बॉक्सिंग, एनिमल स्टाइल, और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं जिनका वहाँ पे अध्ययन किया जाता है। जैसे कि लर्निंग प्रोसेस वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि शाओलिन की ट्रेनिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले टाइम से ही शाओलिन की स्टाइल और प्रैक्टिस को बाह्य लोगों से छिपा के किया जाता था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कोई इस आर्ट का मिसयूज ना करे। और शाओलिन में ट्रेनिंग करने के लिए आपको मॉन्क बनकर रहना पड़ता था और सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता था, और सबसे खास बात कि वहां की सारी ट्रेनिंग रूटीन्स नेचुरल तरीके से की जाती थी। परंतु समय के साथ साथ वहाँ भी आधुनिक चीजों को अपनाया जा रहा है। वहाँ के प्रैक्टिशनर बाह्य लोगों को इस आर्ट को सिखाते हैं, पर कुछ चीजें आज भी वहाँ सीक्रेट रखी जाती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह मार्शल आर्ट स्कूल है, तो यहाँ पर मोस्टली प्रैक्टिस पे ही फोकस किया जाता है और बाकी टाइम मंदिर से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। अगर इनके डेली रूटीन की बात करें तो मॉर्निंग में जल्दी उठना हो, मॉर्निंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, बुद्धा के प्रवचन, मंदिर के काम या फिर नाइट ट्रेनिंग रूटीन हो, इन सभी का पालन सख्ती से किया जाता है, और साथ ही साथ खान पान का ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि शाओलिन में बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से ट्रेन किया जाता है। इसीलिए शाओलिन वॉरियर्स को सबसे बेस्ट समझा जाता है। कुंग फू लर्न करने के लिए हर कुंग फू प्रैक्टिशनर की अपनी वजह हो सकती है। आज ये आर्ट इतनी फेमस हो चुकी है कि इसे हर कोई लर्न करना चाहता है। आज मार्शल आर्ट कॉम्बैट हो, एमएमए हो, किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स हो, मूवीज हो, गेम्स हो, और भी बहुत सारी चीजों में कुंग फू का प्रयोग होने लगा है, और वहीं कुंग फू पांडा जैसी मूवीज को भी फैंस द्वारा बहुत पसंद किया गया।
जहां एक को टेकन सीरीज में ली और स्ट्रीट फाइटर में चुन ली के करेक्टर को बहुत पसंद किया गया, वहीं अगर बात करें एनिमे की तो बक्की द गैपलर में भी बहुत से कुंफू स्टाइल्स को दिखाया गया है। पर चाइनीज लोगों के इस बारे में अपने ही मत हैं। वे मानते हैं कि ये आर्ट उनको उनकी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ती है, और साथ ही साथ उनका मानना है कि ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ ट्रेन करती है और इनलाइटमेंट का एक रास्ता भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रेस्पेक्ट और गुड फिजिक के लिए इस आर्ट को लर्न करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे ही मार्शल आर्ट की अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्शल आर्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए जय हिंद।